तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। सो होप गाइस आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। एंड गाइस देखो बेसिकली सीन क्या है कि आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि गाइस हमारा जो एडवांस सर्वर का रजिस्ट्रेशन पेज है यार, जिसमें हम लोग पूरी आस लगाए जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं कि काश गरीना मेहरबान होके हमें भी एक्टिवेशन कोड दे दे, तो वहाँ पर अभी कुछ इशू फेस करने को मिल रहा है, तो इसके बारे में भी गाइस हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हमारे न्यू ब्रांड न्यू बरमूडा 3.0 मैप कि गाइस कब तक आने वाला है, क्योंकि अभी तक बरमूडा 2.0 ठीक से नहीं आया, तो 3.0 कब तक आने वाला है, बट इतना कंफर्म है कि आएगा, तो इसके बारे में भी गाइस हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ गाइस अगर आपको याद हो तो बरमूडा रिमास्टर्ड कुछ दिनों के लिए हमारे गेम में आया, कुछ दिनों मींस मतलब 17 दिन के लिए हमारे गेम के अंदर आया है। अब गाइस देखो 17 दिन के लिए आया वो तो ठीक है ठीक, बट मतलब आया तो आया भाई, अपने साथ बहुत सारे बग्स एंड ग्लिचेस लेके आया। अब आप बोलोगे भाई बग्स एंड ग्लिचेस क्या था, तो भाई देखो सीन क्या था कि मैं तो अपना ओपिनियन बता रहा हूं, ओके। तो देखो मेरे साथ क्या होता था कि कभी कभी तो भाई देखो अभी मैं 6GB रैम फोन पे खेल रहा हूँ, कम से कम इस पे तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए था ना कि जब भी मैं बरमूडा रिमास्टर्ड खेलता हूँ तो भाई जो हमारा स्पॉन आइलैंड होता है जहाँ पे हम लोग मतलब 30 सेकंड 20 सेकंड वेट करते हैं ना, उससे लेके मैच में जाने तक जो बरमूडा रिमास्टर्ड या फिर बरमूडा में भी कभी कभी हो रहा था, मतलब अपडेट आने के बाद ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि वहाँ पे मुझे लैग, मतलब लैग बोल रहा हूँ मैं सॉरी, मतलब जो होता है ना एंट्री भी, मतलब भाई लेट करके एंट्री दे रहा था, मतलब कि समझ लो कि मैच के अंदर जा ही नहीं रहा था, मतलब जो बंदे मेरे टीममेट्स लोग लैंड कर रहे थे ना उस टाइम मुझे गेम के अंदर लेके आता था, ऐसा सीन हो रहा था मेरे साथ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप तो इस चीज़ के बारे में भी गाइस हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी तो फिलहाल गाइस चलो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो एडवांस सर्वर का पेज है वहाँ पे एरर क्यों फेस करने को मिल रहा है, मतलब यार हम लोग एडवांस सर्वर पेज पे जा रहे हैं और वहाँ पे लिख के जा रहे हैं भाई व्हाट इज़ रॉन्ग, मतलब ऐसा ही करके कुछ आ रहा था, तो भाई मतलब क्या सीन है इसका, मतलब क्यों ऐसा आ रहा है और क्या मतलब मजाक चल रहा है हमारे साथ। सो गाइस चलो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस देखो बेसिकली सीन क्या है ना कि ये जो एरर गाइस हमें फेस करने को मिल रहा है इसके पीछे गाइस ओनली 2 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, मतलब और भी रीज़न हो सकते हैं, बट जो मेन रीज़न होता है ना वो ओनली यही 2 रीज़न हो सकता है। पहला जो रीज़न है गाइस वो जहाँ तक मुझे लगता है कि सही है, जो क्या गाइस हमारा जो एडवांस सर्वर है उसका डेट बढ़ा दिया गया है, मतलब हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करने गए थे, हमारा जब रजिस्ट्रेशन हो गया था वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे गाइस ये पूछा गया था, मतलब हमारे वहाँ पे जो डाउनलोड का बटन था वो ब्लैक में था और वहाँ पे लिखा हुआ था कि 21 तारीख को डाउनलोड करने के लिए, यानी कि 21 तारीख को मतलब एडवांस सर्वर आपको देखने को मिल जाएगा, बट वही अगर हम लोग 21 तारीख को जाते हैं वहाँ पे, मतलब अभी तो फिलहाल 21 तारीख नहीं है, आज कितना मुझे घंटा नहीं पता, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, आज 20 तारीख है, यानी कि अगर कल के दिन हम लोग जाते तो हमें वहाँ पे डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाता, बट अभी वहाँ पे गाइस बेसिकली बात क्या चल रहा है ना कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका जो डेट है ना गाइस वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका यही सिंपल सा रीज़न है कि डेट जो है वो आगे बढ़ चुका है, 21 तारीख को एडवांस सर्वर नहीं आ रहा है, वो और आगे जाके आ रहा है। और दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो होता है गाइस कि हमारा जो वेबसाइट है वो क्रैश हो चुका है, जैसे कि हम लोग को याद होगा कि हम लोग रिडीम कोड जब हमें मिलता है, जब रिडीम कोड मिला था FFCS हो गया FFIS हो गया, मतलब जितना भी चीज़ें टूर्नामेंट होते थे उसमें जो हमें रिडीम कोड देखने को मिलता था उसमें गाइस बेसिकली आपको पता होगा कि यार हमें सीन हो जाता था, यानी कि हमारा जो वेबसाइट है वही क्रैश हो जाता था और बहुत बंदे को भाई कोड वोड कुछ नहीं मिल पाता था, यानी कि भाई वो अपना काम नहीं कर पाते सही से, तो यही सीन हुआ होगा कि बहुत सारे बंदे मतलब रजिस्ट्रेशन करने चले गए होंगे और वेबसाइट क्रैश हो गया होगा, तो इसके बारे में तो मैं मुझे अभी उतना कुछ खास पता नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। तो चलो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारा बरमूडा 3.0 मैप के बारे में कि बरमूडा 3.0 मैप का क्या सीन है बेसिकली। चलो गाइस देखो बरमूडा 3.0 मैप का यही सीन है कि अभी आएगा, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, बरमूडा 3.0 मैप तो आएगा ही गाइस, ये कंफर्म है कि बरमूडा 3.0 आएगा, बट कब आएगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो इतना तो कंफर्म है गाइस कि ये OB26 में नहीं आ रहा। आप बोलोगे भाई क्यों, तो भाई इतना तुमको ही पता होना चाहिए यार कि अभी हमारा जो बरमूडा रिमास्टर्ड है वही अभी तक ठीक से नहीं आया, तो भाई कहाँ से आएगा, मतलब पहले अभी बरमूडा रिमास्टर्ड तो ठीक से आ जाने दो ना गेम में, अभी बरमूडा 2.0 आएगा उसके बाद फिर मान के चलो कि अभी एक साल और, यानी कि 2020
2022 में आ सकता है, तो 2022 तक हम लोग वेट कर सकते हैं। ऐसे भी अभी तो बरमूडा रिमास्टर्ड भी हम लोगों ने ठीक से नहीं देखा है। अब बहुत बंदे बोलेंगे भाई मैंने देख लिया है, सो वैसे नहीं गाइज, मतलब एक जो परमानेंट आने के बाद जो देखना होता है ना, वैसे भी अभी देखना बाकी है, तो चलो अभी वेट करेंगे। सो लास्ट गाइज हम लोग बात करते हैं कि ये लैग और पिंग ये सब का जो इशू हमें फेस करने को मिल रहा था, तो बेसिकली इसका क्या सीन है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा था, क्या रीज़न है। सो गाइज देखो, इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि अभी जो बरमूडा रिमास्टर्ड है उसमें अभी बहुत सारे बग्स एंड ग्लिचेस भरे पड़े हैं। अब बग्स एंड ग्लिचेस भरे पड़ेंगे तो भाई लैग्स तो होंगे ही ना, सो बेसिकली यही रीज़न था, ठीक है। मतलब इतना छोटी सी बात के लिए मैंने इतना घुमाया, तो कोई बात नहीं, इसके लिए माफ़ कर देना। और हाँ गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो यार हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लो ना गाइज, अच्छा लगेगा, तो कर लो सब्सक्राइब। और हम लोग भी गाइज 9K फैमिली के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो गाइज देखना अगर हो सके तो गाइज आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, दिल से खुशी होगी। तो चलो गाइज बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।